अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अभी अभी फ्रेश होके आया। आज चाडोरा जाने का मूड नहीं है क्योंकि बाहर से बारिश हो रही है और बारिश में सोने का मूड होता है। अभी अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो ठीक है, अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ अगर मूड आया तो चाडोरा जाऊँगा। मैं चाडोरा के लिए निकल रहा हूँ। अभी मैं आज घर के कपड़ों में ही जाऊँगा क्योंकि आज मूड नहीं था जाने का, बारिश हो रही थी। बट अभी चाडोरा जाने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रिम करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दाढ़ी आई है, थोड़ा सा जंगली हो गया है मुझे। तो ठीक है, मैं ट्रिम करके आपसे फिर से मिल लेता हूँ बाहर। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, मैं घर से निकला चाडोरा के लिए। आगे आसिफ भाई वेट कर रहे हैं। पहले हम यहाँ से बैटरी उठानी है, वो हमें चाडोरा में डालनी है। वो खराब हो गई है तो उसको रिपेयर करवाना है। तो ठीक है, पहले मैं ऊपर से बैटरी लेके आता हूँ। तो मेरे साथ आसिफ भाई आ गए और अभी हम चल रहे हैं टुवर्ड्स चाडोरा। अरे मुझे ये देखिए, ये सड़क पे बातें कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक जाम इन्हीं की वजह से होता है ना। जो ये व्यू है हमारा यहाँ पे इस गांव का, जो है ब्रिज है यहाँ का, ये दो विलेजों को कनेक्ट कर रही है। एक का नाम है ब्रेगम, दूसरे का नाम है कानीरा। ये मतलब कि ड्यूटी का ये आधा हिस्सा है, आप देख सकते हैं इसका नजारा। और साइड में आप देख सकते हैं ईशानी गंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा दिल को मुतासिर कर रही है। ये आबशार है यहाँ के, हमारे इस छोटे से गांव के। आगे भी देख सकते हैं आप, जिनको कश्मीर में म्याकट बोलते हैं। ये छोटा सा वाटरफॉल आपने जो देखा, हम इसको बहुत ही पसंद करते हैं, इस वाटरफॉल को। ये भी एक निशानी है यहाँ की, जो हमारे इस नेचुरल ब्यूटी में चार चांद लगाती है। ये देखिए, जो ये करू है, ये मेरे ख्याल से 98 डिग्री करू है। ड्राइवर को सावधान रहना चाहिए इस करू में, बिकॉज आप यहाँ पे थोड़ा हिल भी है और करू भी बहुत ही जबरदस्त है। 98 डिग्री मैंने इसको मेजरमेंट किया है पिछले बार। तो गाइस, हम चाडोरा पहुंच गए। हेलो। तो पहले हम बैटरी निकालेंगे। ये हमारे रूप भाई पता नहीं यहाँ पे आज कैप लगा के, वाह ब्रो, पता नहीं किसके साथ लड़ाई कर रहा है। ओहो मुबारक, आज चाडोरा में लाइट है। हाँ, ये इसे इन्वर्टर तो आज भी लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं रूप भाई के साथ, उसको घर पे कुछ काम है तो मैं उसके साथ जाऊँगा। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं रूफ भाई के घर पे, वो वहाँ पे। रूफ भाई आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तो ठीक है, हम जाते हैं अंदर, मिलते हैं आपसे बाद में। ये रूफ भाई के घर के सामने का नज़ारा, यहाँ से जहाज लैंड करते हुए, मतलब कहने लैंड हुई ना कुछ वैसा ही। तो हम वापस जा रहे हैं अभी। फहीम भैया कॉल भी कॉल कर रहा है, वो बोल रहा है कि लेट हो गया, यहाँ 3 दिन के बाद लाइट आई है इसलिए बहुत ज़्यादा काम है। तो मिला पीडीडी वालों का हमारी तरफ से अपील है, यार क्या कर रहे हो, हमारा काम ही है लाइट में, तो प्लीज़ लाइट रखो। दिन में 5-6 घंटे ही रखो, लेकिन रखो रखो ऐसे। तुमने 5 घंटे में काम है ना,
छः घंटे का काम होता है, लेकिन उन छः घंटे में एक घंटे की भी बात नहीं रहता है। चलो ठीक है, मिलते हैं ऑफिस में। तो गाइस हम ऑफिस आ गए। अबे भाई खोलो। 2000 years later. दरवाजा तोड़ दो। नहीं मुझे। फॉल डाउन गो। नमाकत रहा कैसे जबरदस्त। पहले हम देखेंगे ये क्या हो गया। यहाँ पे ये बहुत बड़ा धमाका हो गया, आपने भी सुना होगा। क्यों गो? तो फिर से लाइट चली गई। हमारी किस्मत ही ऐसी है, आज लाइट आई थी लेकिन आज फॉल्ट हो गया। देखते हैं अब क्या करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे एक फ्रेम बनवाने आए थे फॉर फीफा 2.0। तो हमने फ्रेम बनाया था वो बैनर। तो हमने यहाँ पे हनीफा को बोर्ड लगाया है, आप देख सकते हैं हनीफा 2.0। वी मेक द ट्रेंड। ये हिजाज सर का है यहाँ पे। तो गैस मैं वहाँ से हनीफा 2.0 से आके सीधे पता नहीं कहाँ से सो गया था। मैंने पबजी खोली थी, वो अपडेट हो रही थी, तो उसी के साथ मैं भी पड़ गया। अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो गाइस मैं सोया था और आप देखिए थोड़ी सी नींद क्या की मैंने, यहाँ से बारिश कैसे स्टार्ट हो गई। अरे यार हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही है, देखिए आप। तो गाइस मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। ओह बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अभी मैं घर निकलता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये देखिए भाई लोग, ये दिस इज कॉल्ड कश्मीर। एक साइड से धूप है और यहाँ से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं दो मौसम एक साथ, बारिश और धूप। अभी हम जा रहे हैं घर। तो फ्रेंड्स मैं घर पहुंच गया, अभी मैं जाता हूं अंदर और थोड़ा सा आराम करके फिर जिम जाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं वहां से आके ही बीमार पड़ गया, क्योंकि मैं खाना खा के ही बाहर निकला था बारिश में। उसकी वजह से शायद ठंड लग गई हो और बुखार भी बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं जिम नहीं जा पाया। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Fighting to create a song, I don't wanna miss a beat.